हेलो साथियों, नमस्कार। ताज स्टडी में आप सभी का स्वागत है। यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे चैनल पर अपलोड होने वाले नए नए वीडियो की जानकारी मिलती रहे। साथियों, हम लोग जनगणना 2011 पढ़ रहे हैं। ये वीडियो का पार्ट 5 है। इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने जनसंख्या, जनघनत्व और लिंगानुपात को पढ़ा था। इस वीडियो में हम साक्षरता और उससे संबंधित आंकड़ों को पढ़ेंगे। यदि आपने इससे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाके आप सभी वीडियो देख सकते हैं। या ताज स्टडी में एक प्लेलिस्ट बनी हुई है जनगणना 2011 के नाम से, उसमें जाके आप सभी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं। सबसे पहले जनगणना साक्षरता की परिभाषा क्या है। 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता कौन है, साक्षर कौन है? कोई भी व्यक्ति यदि वो पढ़ लिख सकता है तो वह साक्षर है। 2011 की जनगणना में साक्षरता की गणना के लिए 7 वर्ष या उससे अधिक उम्र के व्यक्तियों को शामिल किया जाता है। जो 7 वर्ष का क्राइटेरिया रखा गया है वो 1981 से ही है, यानी कि 1981 की जनगणना से ही 7 वर्ष या उससे अधिक के जो भी व्यक्ति पढ़ लिख सकते हैं वो साक्षर हैं। इससे पहले 5 वर्ष था। 1981 से पहले जो भी जनगणना होती थी उसमें 5 वर्ष माना गया था कि 5 वर्ष के जो भी व्यक्ति पढ़ लिख सकते हैं वो सब साक्षर हैं। तो साक्षरता की जनगणना ऐसे होती है। चलिए साथियों, नेक्स्ट पॉइंट है, 2011 में कुल साक्षरता दर कितनी थी? तो 73.0% थी। ये 2001 से बढ़ोतरी हुई है इसमें 8.16% की। नेक्स्ट है, पुरुष साक्षरता दर कितनी है 2011 में? तो 2011 में पुरुष साक्षरता दर 80.9% रही। महिला साक्षरता दर कितनी रही? तो महिला साक्षरता दर 64.6% रही। पुरुष महिला साक्षरता दर में अंतर देखा जाए तो अंतर जो है साथियों 16.3% की रही है। और ये अंतर को कम करने का जो योजना था, योजना आयोग का 2011 में लक्ष्य रखा गया था, वो 10% रखा गया था। यानी कि योजना आयोग अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाया 2011 में। पुरुष महिला साक्षरता के अंतर का जो योजना आयोग ने 2011 में लक्ष्य रखा था वो 10% रखा था, लेकिन ये अंतर 16.3% रहा। ठीक है साथियों, इसके बाद नेक्स्ट है, 1951 में भारत की साक्षरता दर क्या थी? यानी कि जब भारत आजाद हुआ उसके बाद जो पहली जनगणना हुई उस समय भारत की साक्षरता दर कितनी थी? तो 18.33% थी। नेक्स्ट है, 1951 की अगर बात करें तो उस समय स्त्रियों की साक्षरता दर कितनी थी? तो मात्र 8.86% थी, बहुत ही कम थी। और 2011 में अगर बात करें तो भारत में कुल कितने व्यक्ति साक्षर हैं? तो साक्षर व्यक्ति हैं 76.34 करोड़ व्यक्ति साक्षर हैं। नेक्स्ट है, 2011 में भारत में कुल साक्षर स्त्रियों की संख्या कितनी है? तो स्त्रियां टोटल 32.88 करोड़ हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है, 2011 में महिलाओं की साक्षर जनसंख्या प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई? तो महिलाओं की साक्षर वृद्धि प्रतिशत वृद्धि सबसे अधिक रही है। फिर नेक्स्ट है, किस दशक में निरक्षरों की संख्या में सर्वाधिक कमी आई? तो 1991 से 2001 के दशक में निरक्षरों की संख्या में सर्वाधिक कमी आई। नेक्स्ट है साथियों, 2001 से 2011 के दशक में निरक्षर व्यक्तियों की सर्वाधिक वृद्धि वाला राज्य कौन सा रहा? तो राजस्थान। नेक्स्ट है, 2011 के दशक में निरक्षर व्यक्तियों की सर्वाधिक कमी वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश। इसके बाद नेक्स्ट है, सबसे कम स्त्री साक्षरता वाला राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो बिहार, वो 51.5% है। बिहार की स्त्री साक्षरता सबसे कम है। नेक्स्ट है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में अगर बात करें, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में तो सबसे कम साक्षरता भी बिहार की ही है, 61.8%। ये सिर्फ स्त्री साक्षरता की बात की जा रही थी, यहाँ पे कुल साक्षरता की बात की जा रही है। नेक्स्ट है, अगर केवल राज्यों में हम बात करें तो सबसे अधिक साक्षर जनसंख्या में वृद्धि वाला राज्य कौन सा रहा? देखिए साथियों, एक ये भी इम्पोर्टेंट, बिहार ही रहा यहाँ पे 74.83%। यानी कि राज्यों में सबसे अधिक जो साक्षर जनसंख्या बढ़ी है केवल राज्यों में, वो बिहार में बढ़ी है। ठीक है, वो 74.83% व्यक्ति की साक्षरता बढ़ी है बिहार में। नेक्स्ट है, सबसे अधिक साक्षर जनसंख्या में वृद्धि वाला राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन सा रहा? तो दादर नगर हवेली रहा, केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अधिक हो गया, तो 119.46% रहा। और ये बिहार सिर्फ राज्यों में है, और ये दादर नगर हवेली राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मिला दिया जाए तब 119.46% बढ़ी है। इसके बाद नेक्स्ट है साथियों, सर्वाधिक पुरुष और स्त्री साक्षरता दर में अंतर वाला राज्य कौन सा रहा? राजस्थान रहा, 27.1% रहा पुरुष और स्त्री साक्षरता दर में अंतर। नेक्स्ट है, न्यूनतम पुरुष और स्त्री साक्षरता दर में अंतर वाला राज्य कौन सा रहा?
तो मेघालय रहा, मेघालय में पुरुष और स्त्री साक्षरता के बीच अंतर सबसे कम रही 3.1%। इसके बाद नेक्स्ट आता है साथियों, सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो केरल है। केरल की साक्षरता कितनी है? 94% है, बहुत ही अधिक साक्षर है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो बिहार है, 61.8%। सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित राज्य कौन सा है? तो लक्षद्वीप है, यहाँ पे 91.8% व्यक्ति साक्षर है। वहीं सबसे कम साक्षरता वाला केंद्र शासित राज्य देखा जाए, केंद्र शासित राज्य में, तो दादरा नगर हवेली है, यहाँ पे सबसे कम साक्षरता केंद्र शासित राज्यों में है, 76.2% रही है। इसके बाद साथियों नेक्स्ट आता है, शीर्ष साक्षरता वाले 5 राज्य कौन से हैं? तो पहले है केरल, केरल की साक्षरता 94%। दूसरे स्थान पे है मिजोरम, मिजोरम की 91.3%। तीसरे स्थान पे गोवा, गोवा का 88.7%। चौथे स्थान पे त्रिपुरा, त्रिपुरा का 87.2%। और पांचवे स्थान पे आता है हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में 82.8% व्यक्ति साक्षर हैं। ये साक्षरता शीर्ष 5 राज्य हैं। एग्जाम में इनके क्रम कभी कभी दे देते हैं और क्रम से ऑप्शन में आंसर पूछता है। वहीं न्यूनतम साक्षरता वाले 5 राज्यों की बात की जाए, तो न्यूनतम साक्षरता वाले 5 राज्य, सबसे पहला आता है बिहार, बिहार की साक्षरता सबसे कम है 61.8%। उसके बाद आता है अरुणाचल प्रदेश 65.4%। तीसरे नंबर पे राजस्थान 66.1%। चौथे नंबर पे झारखंड 66.4%। और सबसे पांचवे नंबर पे आता है आंध्र प्रदेश 67.0%। ये न्यूनतम साक्षरता वाले 5 राज्य हैं जो कि बढ़ते क्रम में हैं। फिर आता है वही केंद्र शासित राज्यों की बात की जाए, तो शीर्ष साक्षरता वाले 4 केंद्र शासित राज्य कौन से हैं? तो पहले स्थान पे आता है लक्षद्वीप, लक्षद्वीप की साक्षरता सबसे अधिक है केंद्र शासित राज्यों में 91.8%। दूसरे स्थान पे आता है दमन एवं दीव, दमन दीव की साक्षरता 87.1% है। तीसरे स्थान पे आता है अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार की साक्षरता 86.6%। चौथे स्थान पे आता है दिल्ली, दिल्ली की साक्षरता 86.2%। फिर उसके बाद आता है न्यूनतम साक्षरता वाले 3 केंद्र शासित राज्य कौन से हैं? तो 3 केंद्र शासित राज्य में सबसे पहले न्यूनतम जो आता है दादर और नगर हवेली, यहाँ की साक्षरता 76.2% है, केंद्र शासित राज्यों में सबसे कम है। फिर दूसरा आता है पुडुचेरी, पुडुचेरी की जनसंख्या 85.8% व्यक्ति साक्षर है। तीसरे नंबर पे आता है चंडीगढ़, चंडीगढ़ में 86.0 व्यक्ति साक्षर, 86% व्यक्ति साक्षर हैं। फिर सर्वाधिक साक्षरता वाले 2 जिले कौन से हैं? तो सर्वाधिक साक्षरता वाले 2 जिले, एक मिजोरम का सरचिप जिला है, यहाँ की साक्षरता सबसे अधिक 98.76% रही 2011 की जनगणना के अनुसार। फिर आता है दूसरे स्थान पे अंजावल, ये मिजोरम का, यहाँ की साक्षरता दर 98.50% रही, दोनों मिजोरम की हैं, मिजोरम की साक्षरता वाले 2 जिले सबसे अधिक रहे। फिर वही न्यूनतम साक्षरता वाले 2 जिलों की बात की जाए, तो न्यूनतम साक्षरता 2 जिलों में सबसे पहले आता है अलीराजपुर, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, यहाँ की साक्षरता सबसे कम 37.22% व्यक्ति ही साक्षर रहे। दूसरे स्थान पे आता है बीजापुर, बीजापुर छत्तीसगढ़ में पड़ता है, यहाँ पे 41.58% व्यक्ति ही साक्षर रहे। फिर साथियों नेक्स्ट है सर्वाधिक न्यूनतम की, हम अगर टेबल में देखें पुरुष और महिला साक्षरता बात करें राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में, तो क्या है साक्षरता पुरुष, पुरुष में अगर शीर्ष साक्षरता वाले राज्य केंद्र शासित राज्य देखे जाए, तो केरल में पुरुषों की साक्षरता सबसे अधिक है, उसके बाद लक्षद्वीप में, और उसके बाद मिजोरम में पुरुषों की साक्षरता सबसे अधिक है। वहीं महिला की साक्षरता शीर्ष देखी जाए, तो सबसे अधिक केरल में ही है, दूसरे स्थान पर मिजोरम है, और तीसरे स्थान पर लक्षद्वीप है। तो तीनों राज्य हैं पुरुषों में केरल, लक्षद्वीप, मिजोरम, और महिलाओं में केरल, मिजोरम और लक्षद्वीप, ये शीर्ष साक्षरता वाले राज्य केंद्र शासित राज्य हैं। वहीं न्यूनतम साक्षरता वाले राज्य देखा जाए पुरुषों में, तो सबसे कम पुरुष बिहार में साक्षर हैं, फिर उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में, फिर आंध्र प्रदेश में। वहीं महिला साक्षरता की बात की जाए, तो सबसे कम महिला साक्षर बिहार में है, दूसरे स्थान पे राजस्थान, और तीसरे स्थान पे झारखंड। तो ये महिला साक्षरता के न्यूनतम राज्य हो गए, और ये पुरुष साक्षरता वाले न्यूनतम राज्य हो गए। ठीक है साथियों, इसके बाद नेक्स्ट महत्वपूर्ण जनगणना 2011 का महत्वपूर्ण जो अंतिम आंकड़े थे उनको एक टेबल में देखते हैं, इससे आपका क्विक रिवीजन हो जाएगा। हर वीडियो के लास्ट में आपको ये मिल जाएगा। नगरीय प्रतिशत कितनी रही? 2001 में नगरीय प्रतिशत 27.81% रही, जो 2011 में बढ़कर 31.1% रह गई। टोटल बढ़ोतरी 3.29% की हुई।
वहीं भारत के 10 की वृद्धि की बात की जाए तो 10 की वृद्धि 2001 में 21.5% थी, जो घटकर 17.7% रह गई, 3.8% की कमी हुई। ग्रामीण 10 की वृद्धि कितनी रही, तो ग्रामीण 10 की वृद्धि 2001 में 18.1% थी, जो घटकर 2011 में 12.3% हो गई। अगर देखा जाए तो ये 5.8% घटी है। शहरी 10 की वृद्धि कितनी रही, तो शहरी 10 की वृद्धि 31.5% थी 2001 में, जो 2011 में बढ़कर 31.8% हो गई, ये 0.3% की बढ़ोतरी हुई। वार्षिक वृद्धि दर कितनी हुई, तो वार्षिक वृद्धि दर 2001 में 1.97% थी, जो 2011 में घट के 1.64% रह गई, 0.33% की कमी हुई। जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि दर है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। इसके बाद आता है लिंगानुपात में, इम्पॉर्टेंट है। 2001 में लिंगानुपात 933, 2011 में बढ़ के 943 हो गई, टोटल लिंगानुपात में 10 की बढ़ोतरी हुई। पुरुष साक्षरता की बात करें तो 2001 में पुरुष साक्षरता 75.26% थी, जो 2011 में बढ़ के 80.9% हो गई, यानी कि इसमें 5.6% की पुरुष साक्षरता बढ़ी। महिला साक्षरता की बात की जाए तो महिला साक्षरता 2001 में 53.67% थी, जो 2011 में बढ़ के 64.6% हो गई। इसमें बढ़ोतरी देखी जाए तो 10.93% की हुई, जो कि पुरुषों की तुलना में अधिक बढ़ोतरी हुई, यानी कि 2011 में महिला साक्षरता बढ़ी है पुरुषों से अधिक। फिर अगर भारत की कुल साक्षरता देखी जाए तो 2001 में 64.8% थी, जो कि 2011 में बढ़कर 73.0% हो गई। इसमें 8.16 की बढ़ोतरी हुई है। जनघनत्व की बात की जाए तो 2001 में जनघनत्व 325 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था, जो बढ़कर 2011 में 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो गया, इसमें 57 की बढ़ोतरी हुई है। तो साथ ही जो भी बोल्ड किए गए हैं, जो हाईलाइटेड हैं, ये एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इनको जरूर एक बार याद कर लीजिएगा। साथ ही ये वीडियो आपको कैसा लगा, यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ताज स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।